डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। डॉग टाइम्स न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की जनपद महराजगंज के सिसवा में स्थित शिक्षा का अलग जगा रहा मात्र एक स्कूल चौक राजदुलस्यान इंटरमीडिएट कॉलेज सिसवा के प्रधानाचार्य ज्योतिष मणि त्रिपाठी ने दिए सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों तथा अध्यापकों को इस गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रधानाचार्य चौक राजदुलस्यान इंटरमीडिएट कॉलेज सिसवा बाजार महराजगंज ज्योतिष मणि त्रिपाठी, गणतंत्र दिवस हमारा एक महान महापर्व है और स्वतंत्रता के लिए इस महापर्व के लिए हमारे सेनानियों ने जो अपने जीवन का बलिदान किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने यह दिन लाया और हमारे सेनानियों ने जो विषम परिस्थितियों पर बॉर्डरों पर सीमाओं पर रहकर और हमारी सुरक्षा करते हैं, जिनके उस कार्य का किसी भी तरह से हम उसको बहुत उसका वर्णन उसका नहीं कर सकते। रात दिन जग करके विषम परिस्थितियों में, शीतों में, धूप में, हिमालय की ऊंचाइयों पर, बर्फीली घाटियों में रह करके इस देश की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन समर्पित करते हैं। आज हमारे लिए वो पूज्य हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हीं कारण हमारी देश की है जो स्वतंत्रता है, जो हम सभी लोग स्वतंत्र रह करके इस देश में अपना निर्विकार भाव से अपना सारा कार्य करते हैं। यह उन्हीं सेनानियों की देन है। स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पर हम उन सेनानियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और अपने इस क्षेत्रवासियों के प्रति हम संदेश देते हैं कि जिस बलिदान और त्याग के कारण यह महापर्व हम सब हमारे समक्ष आज हम इस रूप में मना रहे हैं, हम अपने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए समर्पित रहें। हम देश के लिए सदैव त्याग बलिदान की भावना हमारे अंदर निहित रहे। जिस देश के अंदर, जिस नागरिकों के अंदर अपने देश के प्रति स्वाभिमान और त्याग बलिदान की भावना है, वह देश आज दुनिया में सर्वोपरि है। हम सबको भी अपने इस देश के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भाईचारे का सर्वधम भाव की भावना से इस देश के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हमें अपने मन में सदैव भावना रखनी चाहिए और इस देश के लिए जब भी हम हमारी जरूरत जहां भी पड़े हमें इसके लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तभी हम इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण बनाए रह सकते हैं, तभी हम अपने इस देश के इस गणतंत्र जैसे पर्व महापर्व को इस रूप में मना सकते हैं। हम अपने विद्यालय के छात्रों को भी यह संदेश देते हैं कि हमारे नौनिहाल छात्र इस देश के लिए एक सैनिक बने, इस देश के अच्छे सपूत बने, इस देश के लिए उनके अंदर मर मिटने की, उनके अंतःकरण में त्रिभिक्षा शक्ति बने और यह भावना उनके अंदर रहे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, इस भावना से काम करते हुए इस देश के प्रति अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने की भावना अपने अंतःकरण में सदैव बनाए रखें, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है, तभी इस देश के नागरिक भी सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हम स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और तभी हम अपने सारे जो क्रियाकलाप हमारे हैं तभी ठीक प्रकार से हो सकता है जब यह देश सुरक्षित होगा। तो एक बार मैं पुनः अपने उन सेनानियों के प्रति, अपने इस क्षेत्रवासियों के प्रति और अपने विद्यालय के सारे छात्र छात्राओं की तरफ, भैया बहनों की, मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, इस देश के लिए हमें हमेशा इस त्याग बलिदान की भावना हमारे अंदर इस देश के लिए होनी चाहिए, तत्पर रहनी चाहिए और हम सदा इस भावना को हमारे अंतःकरण में व्याप्त रहे और हम जो है समाज में हर प्रकार से सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, सम व्यवहार करते हुए
और सब कुछ सबसे बड़ा इस देश को माने, अपना सब कुछ इस देश को समर्पित करें, जात धर्म से ऊपर उठ करके देश हमारे लिए महान है, यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। टॉप टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।